हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको आटे और कच्चे आलू से बने एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी, यम्मी से और आसान से नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम तेल का यूज करेंगे तो हेल्दी भी है और बच्चे बहुत शौक से इसे खाना पसंद करते हैं। तो टेस्टी हेल्दी से नाश्ते की फुल रेसिपी चाहिए तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका पतला घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से मिक्स करते हुए घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसका पतला घोल मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो बैटर हमारा पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब हम बैटर को कवर करके छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट तक के लिए। चलिए इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन ले लिया है, बहुत ज़्यादा कुकिंग इसमें नहीं करना है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसे गर्म कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें आधा छोटा चम्मच राई ऐड कर देंगे, यानी कि सरसों के दाने। इन्हें थोड़ा सा चटकने देंगे। राई चटकने लगी है, अब इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तेल में ऐड करने से इसका कच्चापन चला जाता है, तो मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के कच्चे आलुओं को इस तरह से कद्दूकश करके ले लिया है, इसे अच्छे से धो लिया मैंने। इसमें मैं ऐड कर दूंगी इसे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को। तो मैंने हल्दी और सरसों में अच्छे से आलू को मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर लें। अब इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आधा छोटा चम्मच ऐड कर देंगे चाट मसाला, साथ ही ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच ही आमचूर पाउडर। इससे इनका स्वाद काफी गुना बढ़ जाता है, काफी ज्यादा चटपटी सी स्टफिंग हमारी बन जाती है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून गर्म मसाला, अब प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और आलू को हमने बहुत ही बारीक ग्रेट किया था, तो बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, ये पक चुके हैं। स्टफिंग को निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब एक तवा ले लिया मैंने, उसे मीडियम हॉट कर लें, ज्यादा हीट नहीं करना है। अब इसमें थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे ऑयल, आप ब्रश की सहायता से भी ऑयल लगा सकते हैं, और इसे टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से एक्सेस ऑयल हमने निकाल लिया है। अब इसमें चम्मच की सहायता से बैटर डाल देंगे, क्योंकि बैटर पोरिंग कंसिस्टेंसी का है तो खुद ब खुद ये फैल जाएगा इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से गोल शेप भी ले लेगा। चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इसे फैला सकते हैं आप, फ्लेम को लो पे ही रखें, नहीं तो ये सेट होने लगेगा तुरंत ही। तो इस तरह से इसे फैला लें चम्मच की सहायता से। अब नीचे के साइड से इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पे सिकने देंगे। तो देखिए, नीचे के साइड से ये अच्छे से सिक गया है, किनारे इसने छोड़ दिए हैं, आपको पता चल जाएगा इस तरह से देखने पर कि ये नीचे से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे धीरे से पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर दे और मीडियम फ्लेम पे लगभग 1 मिनट तक दूसरे साइड से इसे सेक लेंगे। इससे ज्यादा नहीं सेकना है और इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और प्लेट पे रखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ। तो फिर से इसमें 2 बूंदे ऑयल की डाल देंगे और पोंछ लेंगे फिर से टिश्यू पेपर की सहायता से। इस बीच अगर पैन का टेम्परेचर बढ़ गया हो बहुत ज़्यादा, तो इसे पहले ठंडा कर लें हल्का सा, फिर ही दूसरा बनाएं। अब इसमें डाल देंगे इस तरह से बैटर को, और इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच की सहायता से इसे आकार दे देंगे गोल, और इसे नीचे से सिकने देंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक नीचे से सिकने के बाद इसे हम सावधानी के साथ पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद दूसरे साइड से भी 1 मिनट तक सेक लेंगे, और जब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी तैयार कर लेंगे।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सभी शीट्स बनाकर तैयार कर ली है। ये एक दूसरे में चिपक भी नहीं रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पतले और सॉफ्ट तैयार हुए हैं, इस तरह से आप देख लेंगे। तो इसी तरह से आपको भी बना लेना है सभी को। आप ये शीट्स पहले से बना कर रख सकते हैं, यानी कि 4 से 5 घंटे पहले भी आप इन्हें तैयार करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ मिला देंगे हम और फिर धनिया की पत्तियों को अच्छे से इनमें मिक्स कर लेंगे। आप पहले भी धनिया की पत्तियाँ मिला सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस तरह से शीट एक एक करके लेंगे और बिछा लेंगे इस तरह से प्लेट में। उसके ऊपर से हम स्टफिंग रखेंगे लगभग 1 बड़े चम्मच जितना। स्टफिंग रखने के बाद चारों साइड से इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हम पराठे फोल्ड करते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास टूथपिक है, इस टूथपिक को मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगी इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दबाते हुए इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से सील पैक हो जाएगा और खुलने का चांस नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मैंने सभी तैयार कर लिए हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी इसमें और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूंगी, जिससे कि और भी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन जाएंगे ये। तो मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लिया है, उसमें मैं 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी। तेल के गर्म होते ही उसमें 1/2 छोटा चम्मच राई ऐड कर देंगे। राई के दाने जैसे ही चटकने लगेंगे उसमें अपना नाश्ता डाल देंगे। तो मैं एक एक करके इसमें सारे ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो 2-2 करके भी इसमें तड़का लगा सकते हैं। इन्हें ऐड करने के बाद धीमी आंच पे इन्हें क्रिस्पी होने तक एक साइड से सेक लेंगे। तो नीचे से ये अच्छे से सिक गए हैं, ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो सावधानी के साथ इन्हें पलट लें, आप देखेंगे नीचे से ये काफी अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं। तो देखिए मैंने सभी को पलट लिया है। अब नीचे के साइड से भी हम इन्हें धीमी आंच पे 1 मिनट तक सिकने देंगे। तो देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए कितने ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो सभी को निकाल लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा आटे और कच्चे आलू से बना ये टेस्टी और यम्मी क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर हो चुका है तैयार, जिसे हमने बहुत ही कम ऑयल में बना लिया है, बहुत ही ज्यादा यम्मी है। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही कमेंट करना ना भूले। सो बाय गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।